हाय मॉम, हम लोग फ्रेंड्स। कौन भाई, मैं बहुत दिन हेला क्लास में नहीं मिली। पिलाने पहुंचे कौन? सुभाष सर कौन गले फसी गले डंगा बुड़े ही देले। हमरा कौन करियो? सुभाष सर ऑप्शन रे पिले टिके डिस्ट्रो हे ले के। सुभाष सर भाई भाई टाइम डिस्ट्रो हे ते कहबी आज ही नहीं, आज ते पड़दा बटा चिपले। गोटे खुशी खबर जानते तुम पे सीएचसी देची, तुम पे सीएचसी साइड रे गोटे क्वेश्चन बैंक है। से क्वेश्चन बैंक को जे देखि दो थोरली सेटा केते स्कोर करियो ना 100% स्कोर करियो, कारण सब जक क्वेश्चन ता भीतर आइछो। सुभाष सर तो प्रैक्टिस करेबे करेबे से क्वेश्चन में बात ता बाद में देखे ते यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एटा जोटे रॉन्ग क्वेश्चन जोटे परीक्षा रे पढिबो केते परसेंट चांस 99% चांस होछि परीक्षा रे, तो कर 100 चांस होछि कि श्योर। तो या कोन होइ छि ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ताला तो कोइ छै ना ऑप्टिक्स फिजिक्स रो वेव ऑफ ऑप्टिक्स रो पार्ट रे जाउछ। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे मै जो डायग्राम कर छी तार किसी गिवन लेखि छी आउ लेखि कोन बैंक तो आबा लेखि छी ना फिर टाइम रो बहुत सुभरा सर में बहुत टाइम होवा सेति में जे स्पीड बढ़ेबे स्पीड बढ़ेबे माने बुझाई के पढ़ेबे सेति में आगो लेखि दो तब तो बुझे जाउ। क्लियर क्लियर अरे कथा आवा आरंभ हो जाए। तले कोन लेखि पर लेखि छी ना कंसीडर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा। ओटे लाइट पिले अछि लाइट रो ऑप्टिक्स माने कोन बुझछ? लाइट चैप्टर रो स्टडी को कहबा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स रो पड़ी वेव। वेव एटा कोन? रे ऑप्टिक्स मींस से स्ट्रेट लाइन रे जीवो, किंतु वेव ऑप्टिक्स मींस रा कोथे जीवो? वेव रे जीवो बा तरंग रे जीवो। तरंग ए तो गति को कहंती वेव। ताले नि कोन लेला कंसीडर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा। गोटे लाइट रे अछि तार वेवलेंथ केते? लैम्डा। लेट एस1 एस2 बी टू नैरो स्लिट। नैरो स्लिट स्लिट माने कोन? ना पतला टिन रो फॉइल नै पारे बा ओला किछ हे पारे माने साउंड करनी पतला स्लिट फॉइल हे पारे ओला किछ हे पारे। एस1 एस2 दिते स्लिट अछि कि के ना एई गोटे देखो एस1 अछि एई ढेरा एस2 अछि माने आ लिख दिस इट इज एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम एस पिले एस टा टू इज सेम डिस्टेंस रो अछि एकटा एस1 एकटा एस2 रे एस कोन ना एस टा पिले हले कोहेरेंट सोर्सेस कोन कोहरे सोर्स ना सोर्सेस कोहेरेंट सोर्स कोन ना पिला जत बले या ऊपर लाइट जैसे पड़िबो ये सदा बले का करिवो रिफ्लेक्ट करैबो तेनु भाई आप कोन कोहेरेंट सोर्स हैला। ताले पिले देखो एटा पी टा को नै जे मन कर ऑब्जर्वेशन पॉइंट माने तुम आखीटा मन कर कोठी अछि एही अछि बुझियो पी रो ऑब्जर्वेशन तुम करिवो कोठी ना एस1 पॉइंट एस2 S1 और S2 भीतर डिफरेंस केतो अछि बा डिफरेंस माने डिस्टेंस केतो अछि ना d केतो अछि प्ले स्मॉल d आउ ये स्लिट आउ जो स्क्रीन रु तमे देखु छ से स्क्रीन भीतर डिस्टेंस केतो अछि कैपिटल ता बा ता बाद मु ओन इंच कोन ना सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट बिटवीन S1 एंड S2 S1 S2 को सेंटर पॉइंट नै छि किया माने ओ ठो ए तरह डिस्टेंस जति की ओ ठो बी तरह डिस्टेंस सेति थी जति हमें कहि छे ए बी होव डी ताले ओ ए होव डी बाय 2 और ओ बी होव डी बाय 2 कारण एटा जति की एटा सेति की। तावे पी पॉइंट ता ओ पॉइंट टू केते डिस्टेंस रे छे ना डिस्टेंस ऑफ एक्स केतो अछि एक्स आउ स्लिट ऑफ स्क्रीन भीतर डिस्टेंस अछि कैपिटल ए ले एतक गिवन समय लिखिबो एतक लिख सारला पर से गिवन ता कोठ रे 8 रे बटे हम छाड़ दे ना लेट db कैपिटल db द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट लेट स्मॉल db द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट लेट p बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट o। एला ने थोड़ा लिसनिंग पावर दिए बड़ा हम कोन कहू छी सुनो संगे संगे नोट आउट करो स्क्रीनशॉट तो नै जीवो लास्ट को जहां कहली सेटा पर रिपीट करबो सरकार सुनि के एटा आउट ऑफ फेज डिफरेंस कोन लिखि छी पिले फेज डिफरेंस एठो पटे रेट आ जतना तुम ऑब्जर्व करबे से एठो का से को जति के डिस्टेंस नबो एठो के निश्चित तार कोन नबो ताले केनु के जाय फेज डिफरेंस केते ना एट रे डिस्टेंस माने एट स्टार डिस्टेंस भाई एट आ तो केते अधिक बा एट तो केते कोन सेति भाई एस2 टू पी एस2 पी ता है बड़ो ना ना हां एस1 पी ता है जो सानो सेति भाई एडी फेज डिफरेंस लेके पी इक्वल्स टू केते ना एस2 पी माइनस एस1 पी। क्लियर क्लियर हैला स्क्रीनशॉट नियो बॉस के की ने बोल सही ता बाद पढ़ेबी लेखि रे ता बुझले रे क्लियर कोन ला ना सेटा फेज डिफरेंस मिलला फेज डिफरेंस मिलला बाद चित्रटा हम और राखि दी पर देछि कि
टिके कम ही लगे होता हो क्योंकि स्ट्रेस नहीं तो पड़ती है तो हम ट्रायंगल ने छे एस1 ए पी एस1 ए पी एस1 ए पी एटा को एंगल राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस रूल पकेई पाइथागोरस रूल कहे हाइपोटेन्यूस रो स्क्वायर इक्वल टू बेस रो स्क्वायर इक्वल हाइट रो स्क्वायर हाइपोटेन्यूस से टिके ना एस1 पी तो एस1 पी रो स्क्वायर इक्वल टू एस1 ए रो स्क्वायर प्लस ए पी रो स्क्वायर एस1 ए जहां एस1 ए जहां डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन से या तने कैपिटल डी तने एस1 ए जहां पकेनी कैपिटल डी बुझिलो एपी जहां ओपी माइनस ओए से या तो ओपी वाला कितना एक्स ओए माइनस वाला डी बाय 2 ताने स्थिति में लेकिन एक्स माइनस डी बाय 2 का स्क्वायर सेम थी पूरे तो सेकंड ट्रायंगल लेने का एस2 बी पी एस2 बी पी ताको मैं इसे सॉल्व कर काही कौन ना एस2 पी का स्क्वायर इक्वल्स टू डी रो स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाय 2 रो स्क्वायर एटा को मैं इक्वेशन 2 ऊपर टा मैं इक्वेशन 1 ताने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 के तबले कल कौन आला ना एस2 पी का स्क्वायर माइनस एस1 पी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाना ए प्लस बी होल इनटू ए माइनस बी क्लियर एथि डी स्क्वायर कटि जीवो रहिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इनटू में भी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से फार्मूला लगाना 4ab 4 इनटू ए से डी बाय 2 2 को 4 से काटि देले जो 2hd एपोटे रखिले पिले कोन ना s2p माइनस s1p सेपोट को ये जो s2p प्लस s1p ने कोमली डिवीजन कर तले s2p माइनस s1p इक्वल्स 2hd बाय s2p प्लस s1p ता बाद पिले तमे जानि छ ए s2p माइनस s1p के मदर इज कोन लिखि परबी p p फॉर कैरोट मोरे पिले p फॉर फेज डिफरेंस ता पर पिले जति कहि थांता कि ए ओ पॉइंट इज ए पाखा पेटी थांता कि बी पाखा पेटी थांता ताले कोन हे थांता ना s1 p जति के हे थांता s2 p सति के हे थांता सति के हे थांता कते ना कैपिटल डी बस स्क्रीन ऑफ डिस्टेंस बुझिलो देखा दोस्तों क्लियर स्क्रीनशॉट ले जा स्क्रीनशॉट लेला बाद पे कोन करियो ता तो ने p जब s1 p जाए s2 p d से या ताले s2 p जगह में d इधर जगह में भी d implies 2x d by d plus d ये जो कहते हैं ना 2x d by 2 d कोटी जी को कौन है 2 2 कोटी वाला के तो रहेगा x d by d clear तेरा कौन बाहर ला आंसर p equals to x d by capital d तो तुम इतनी कोई ना सत्ता आ रहे हो कितना आ रहे हो सप्तमा पर तो पूरा ध्यान से करियर अछि फर्स्ट स्टेप फॉर्म करी ना चित्र करी गिवन लिखली फर्स्ट ट्रायंगल लेली s1 ap तापर लेली s2 ap पाइथागोरस रूल पकेली s1 s2 p का स्क्वायर माइनस s1 p का स्क्वायर फार्मूला पकेली आंसर काही पूरा क्लियर कर देखो रे याद नजर करो पूरा ध्यान से क्लियर क्लियर हो तो मैं आज रो वीडियो से लेंदी करनी बेसिक लेंदी करले किस नाय काम पर टाइम रो बहुत अभाव ठीक है पाठ्य टिके रही है जी पहले अनुरोध से इतनी मात्र कहो जी अब ले चैनल तक ठीक है सब्सक्राइब करो सीएचएस पे का शेयर करो जेने से तो वीडियो बहुत से देखी के क्लास कर गए बिना तो राम सर ने कुछ दिन में अध्याय क्लास करी मु के कम क्लास करी राम सर अध्याय क्लास करी 8 नवंबर नवंबर रो मु फ्री है गए मु क्लास मोर रेगुलरली करी क्लियर तो चैनल रे जो प्रीवियस वीडियो तार किछ नहीं प्रीवियस वीडियो में अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो लिंक ता दिए डिस्क्रिप्शन में दे देबी ताबा आउ रहला कोन तमन टिके पढाबडी जोरसे से करो चैनल लाइक करो वीडियो लाइक करो सब्सक्राइब करो जबले समस्त करे एति को जी थैंक यू क्लियर।